अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मुर्ग चने बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 250 ग्राम चने लिए। इनको मैंने 4 घंटे पहले भिगा दिया था, अगर रात भर भिगाएंगे तो और अच्छा है। ये आधा किलो चिकन लिया है, एक बड़ी प्याज है, दही एक बॉल, लहसुन अदरक 2 टेबल स्पून है, कुछ मैंने साबुत मसाले लिए हैं, गोल मिर्चें हैं, लौंगे हैं, और एक दालचीनी का पीस है। और ये ड्राई मसालों में 1 टेबल स्पून मैंने पिसी लाल मिर्ची ली है, 1 टेबल स्पून नमक है, 2 टेबल स्पून पिसा धनिया है, आधा टेबल स्पून हल्दी है, और आधा ही टेबल स्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची ली है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए चने इसमें, और इसके साथ ही ये देखिए चनों के लिए मैंने आधा टेबल स्पून हल्दी, आधा टेबल स्पून नमक और आधा टेबल स्पून ही मैंने मीठा सोडा लिया है। थोड़ा इसमें बहुत अच्छा लगता है, चने भी बहुत अच्छे गल जाते हैं। तो अब पानी इसमें गलने के हिसाब से डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना पानी। अब इसको मैं कम से कम 15-20 मिनट गलाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा इसे टाइम लगता है गलने में। अब इसको ढक कर पकाते हैं। देखिए 3 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल ले लिया है। अब ये जितने मसाले हैं साबुत, इसमें ये भी साथ साथ होते रहेंगे फ्राई, और फिर प्याज भी डाल के साथ में फ्राई कर लेते हैं। प्याज अब हल्की ब्राउन हो गई है, अब इस चिकन को भी इसमें, चिकन को डाल के हमेशा अच्छी तरह से पहले भून लेना चाहिए प्याज के साथ, क्योंकि जो भी स्मेल वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाती है, इसलिए इसको भूनना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए अच्छी तरह से इसमें तेल में भून चुका है ये। अब ये लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको भी डाल के, ज़रूरत से ज़्यादा भी मैं नहीं भूनती हूँ, लेकिन इतना भूनती हूँ कि ओवर कुक भी ना हो और अच्छी तरह से गल जाए। इसको थोड़ा सा भून लें लहसुन अदरक के साथ, फिर ड्राई मसाले डालते हैं। ये देखिए अब सारे ड्राई मसाले इसमें, इसको थोड़ा सा भून लेते हैं, थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देते हैं, बहुत थोड़ा सा, ताकि मसाले गले नहीं। देखिए अब इसको थोड़ा गलाना है, तो थोड़ा पानी डाल के इसको गलने के लिए रख देते हैं, मीडियम फ्लेम पे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा पानी। चिकन बहुत जल्दी गल जाता है, इसको ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको गलने के लिए मैं रख देती हूँ। ये देखिए चिकन पक रहा है, 8 मिनट से पक रहा है अभी, और इसको अभी मुझे भूनना भी है, तो इसको अब दही डाल के भून लेते हैं। तेज आंच कर दीजिए और इसको फिर भून लीजिए अच्छे तरीके से। देखिए चिकन बिल्कुल अच्छे तरीके से ये भून चुका है, और चने भी जो हैं, चने भी बिल्कुल अच्छे देखिए गल चुके हैं, और ये देखिए चने बहुत अच्छे गल गए हैं। एक हाथ से ये देखिए दबाइए इसको, उंगली से गल गए। इनको थोड़ा सा मैं मैश करूँगी, बहुत थोड़ा सा, ताकि एक गाढ़ी ग्रेवी बन जाए इसमें, सब नहीं करनी है, बस थोड़े से बस। अब इसको मैं सालन में मिक्स कर दूँगी। देखिए चने से मिक्स कर लिए सारे। अब इसके साथ ही इसमें मैं ये हरी मिर्ची डालूँगी, ये आधा टेबल स्पून जायफल और जावित्री है, और 1 टेबल स्पून ये गरम मसाला है। अब इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, थोड़ी फ्लेम तेज कर लें, तो मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। वैसे तो ये भुने भुने रहते हैं, अगर थोड़ी आपको और ग्रेवी लगानी हो तो ये आप पर है कि आप लगा सकते हैं। और इसका नमक चेक कर लें, क्योंकि हर शख्स अपने हिसाब से नमक खाता है। इसको मैं 5 मिनट और पकाऊंगी, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। ये देखिए 5 मिनट से पक रहा है, और ये बिल्कुल अब तैयार हो चुका है। इसको अब मैं निकाल लेती हूँ बाउल में। लीजिए मुर्ग चने तैयार हैं। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।